आदिवासियों का महापर्व शगुन सोहराय के मौके पर जामताड़ा कोर्ट रोड स्थित अपने आवास पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान विधायक इरफान अंसारी ने आदिवासी समुदाय के लिए मरणोपरांत अंगदान करने की घोषणा कर दी। कहा कि यही भीड़ उनकी कमाई है और पूंजी है, उनके जीत में आदिवासी समुदाय का बहुत बड़ा योगदान है। विधायक इरफान ने घोषणा किया कि मरने के बाद वे अपना अंगदान भी इन आदिवासी समाज के लिए करके जाएंगे। उन्होंने खुले मन से अपना आंख और किडनी आदिवासी समुदाय के हित में डोनेट करने की बात कही। बता दें कि आदिवासी समुदाय का महापर्व शगुन सोहराय के अवसर पर जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी के कोर्ट रोड स्थित आवास पर भव्य समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में आदिवासी समुदाय के महिला, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत विधायक आवास से रैली निकालकर की गई। रैली पूरे शहर का भ्रमण करते हुए विधायक आवास पर पहुंचा और सभा में तब्दील हो गई, जहां आदिवासी परंपरा के अनुसार नाच गान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान आदिवासी समुदाय के लोगों के साथ विधायक इरफान अंसारी, उनके पिता पूर्व सांसद फुरकान अंसारी, कांग्रेस नेत्री शबाना खातून सहित अन्य ने भी जमकर उत्सव का आनंद उठाया। साथ ही कंबल का वितरण भी किया गया। फ्री में अगले साल बच्चियों का शादी हमने सोचा है, निर्णय लिया है, ये बच्चियों का शादी कराने का निर्णय लिया है मैंने। और वैसे ही बच्चियां जो उनके माँ बाप, हम उस गरीब बेटी का शादी कराएंगे। कोई बोल नहीं सकता है, इरफान अंसारी सबका है, मैं विधायक हूँ तो सबका विधायक हूँ, और मेरी जीत में सबसे बड़ी भूमिका आदिवासियों का है, मैं ये कहना चाहता हूँ। तो इनसे मेरा कोई, मैं ये काम केवल वोट लिए नहीं करता हूँ, इनसे मेरा लगाव है, जुड़ाव है, एक अपनापन है। इरफान अंसारी राजनीति में आया है सेवा करने के लिए, अपने आप को लुटाने के लिए, मैं कमाने के लिए राजनीति में नहीं आया हूँ। और मैंने क्या कमाया आप सारे लोग जानते हैं, मीडिया वाले जानते हैं, यही मैंने कमाया। देखिए ये अब घुमा के देख लीजिए क्या आपने कमाया, और इनके बारे में जानिए, राज आदिवासियों का है, हम लोगों ने शोषण नहीं किया इनका, शोषण जिनको सत्ता मिली उन्होंने शोषण किया, क्या है बेचारे, देखिए इतना अच्छे समाज, देखिए गरीब लोग हैं, इनको केवल मान सम्मान चाहिए। मुसीबत में जाता हूँ, मदद करता हूँ, कोई घटना घटती है परिवार की तरह एकदम चट्टान की तरह खड़ा रहता हूँ, इसी का परिणाम है ये सब, ये मैं करता रहूँगा जब तक मैं जिंदा रहूँगा, करूँगा। और मैंने कहा है कि जब मैं मरूँगा भी अपना आँख आदिवासियों को दान करके जाऊँगा, किडनी भी दे दूँगा मैं, तो यही मैंने पूंजी कमाया है। आप सबसे आग्रह करूंगा मीडिया बंधुओं से कि आप लोग भी सत्य को दिखाइए।